दूसरी बात शायद ये भी है कि अगर जिस तरह से आप कह रही हैं कि इकोनॉमी टर्न अराउंड हो जाती है, जी अगर जी इकोनॉमी टर्न अराउंड हो जाती है तो लोगों के मसाइल खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल वो वाली डाई हार्ट एसोसिएशन मेरा ख्याल है उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व हो जाती है। लोगों तो को मैं तो कहूंगी कि शायद लोग सड़े हुए हैं, डरे हुए हैं, बेरोजगारी है, लॉलेसनेस है, सारा कुछ है, तो लोग ज्यादा उसको याद कर रहे हैं। आपका पॉडकास्ट ही उनके कानों तक पहुंच जाए, अगर वो चीजें ठीक हो गई तो फिर उनके लिए थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो 2024 में उन्हें फ्लेक्सिबल सर होना पड़ेगा। आज तक उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं पहले भी कहती थी किंग मेकर बनिए, किंग ना बनिए। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा खूबसूरत खेलते किंग मेकर खान रहे हैं सारे प्लेयर्स जब तक हाँ। वो रहे हैं वो ही वाज नाराज ना हो जाए दोस्त उसमें कि कोई इतने बड़े वो क्रिकेट के प्लेयर नहीं थे लेकिन वो बहुत बड़े प्लानर थे। इसमें कोई शक वो नहीं। जो क्रिकेट को प्लान करते थे, जो टीम को प्लेयर्स को प्लान करते थे उसमें उनका कोई कोई मैच नहीं था। थोड़ी सी आप अगर रिकॉर्ड्स निकालें तो खान के हादसे में बहुत रिकॉर्ड्स नहीं आते। अच्छा, लेकिन जो अचीवमेंट्स आती है वो खिलाना किस तरह से किंग मेकर जो है वो ही वाज मैनेजमेंट या बिगेस्ट किंग मेकर। तो वो उसी चीज को अगर वो यहाँ पे अप्लाई कर ले गुजार के हवाले से नहीं लेकिन अदरवाइज अगर वो देखिए ना बना के वो कर ले तो वो बड़ी बात। वो फैसला जो उनके गले पड़ा है बहुत तकलीफ दे सिचुएशन है, जो बुजदार वाला फैसला है वो बहुत ही पता नहीं पूरी नई डबोदी से एक फैसले ने। और जब लोग कहते थे ना तो मैं पता क्या कहती थी, जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, अलग अलग नहीं जाएंगे, जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे। ये भी मेरी प्रेडिक्शन हुआ करती थी कि ये इकट्ठे जाएंगे, बारी बारी नहीं जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। और ऑलमोस्ट मेरे थोड़ा सा टाइम था, थोड़े से टाइम के साथ ही गए तो बाकी जो है जैसे ये खबर अच्छी है जो बहुत सारे प्रोफेशंस हैं आप इस पर मेहनत रखिए। आईटी बहुत तरक्की करने जा रही है, आईटी का शोभा, क्योंकि इस साल का रूलिंग लॉर्ड है मरकरी, तो आईटी बहुत तरक्की करेगी। आईटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आईटी के जो महकमे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, तो इनके बूम का ईयर आने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आने वाला है, तो उस पर बहुत चीज़ें जो है वो काम करेंगी। कौन कौन से स्टार्स जो है इसमें अभी अगले कम से कम अभी तो 2024 की बात करें, 2025 में इंशाल्लाह दोबारा इंशाल्लाह गप लगाएंगे, लेकिन कौन कौन से स्टार्स जो है वो यहाँ पे जो रूल करने लगेंगे अभी बिल्कुल बताती हूँ। फिर सेकंड नंबर पे वेनिस रूल करने जा रही है। वेनिस रिप्रेजेंट करती है औरतों के कारोबार, कपड़ों का कारोबार, फैशन इंडस्ट्री, ये वुमेन एम्पावरमेंट पे काम जो है बहुत होंगे। थर्ड पे हम जाते हैं तो अब जो है गवर्नमेंट सेंसिबल चलेगी, ठीक है ना, इनको चलना इनकी मजबूरी हो जाएगी, इनका चलना मजबूरी हो जाएगी। वो जो हम देखते आए हैं हड़तालें, धरने, ये अब चीज़ें खामोशी हो जाएगी। और जो एक पॉलिटिशियंस की स्क्रूटनी होने जा रही है ये भी बहुत जो है ना एक आपको रिलीफ मिलेगा, एटलीस्ट जो है 24 में पाकिस्तान के निज़ाम को काफ़ी स्क्रूटनी होगी, बहुत सारे चेहरे फिल्टर होंगे। Wow. तो वो स्क्रूटनी जो है वो भी यहाँ पे आपको फ़ायदा देगी। अब जो जनरलाइज सितारे हैं, फर्स्ट हाफ वर्गोस का सितारा अपग्रेड होने जा रहा है, आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। फिर जो है टॉरियंस का सितारा अपग्रेड होने जा रहा है, उनके लिए अच्छी खबर है। स्कॉर्पियंस के लिए अच्छी खबरें हैं। और सेकंड हाफ जो टेक ऑफ होने जा रहा है जेमिनी और लिब्रा का जून से, हाँ जी, और पाकिस्तान के लिए फर्स्ट हाफ में भी कोई कुटलक होने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान का नसीब खुलने जा रहा है पहली बार जब से बना है। दिस इज अ स्टेटमेंट, पहली बार जब से ये वजूद में आया है पहली बार पाकिस्तान का नसीब कुशाई वाला सितारा काम करेगा। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द डे वन, और ये शुरू हो जाएगा जी 3 जनवरी से इंशाल्लाह। जनवरी तो लोग जी थर्ड जनवरी से शुरू हो जाएगा ये काम, प्रोसेस कुदरत तो शुरू कर देगी। अब काश हम भी कुछ अपने इंडिविजुअल रवैये बदलें, है ना, और जो है मैं तो एक बात कहती हूँ कि अब इंडिविजुअली भी काम करने का वक्त आ गया। हमें हम लोग काम नहीं करना चाहते जो सबसे बड़ा आलमी है, और एक झूठ नहीं हम माइनस करते अपनी जिंदगी से। ये एक मेरा ख्याल है प्रोग्राम यहाँ पे हम खत्म करेंगे, और इस प्रोग्राम इस आपकी स्टेटमेंट से खत्म करेंगे कि आज नए साल की रेजोल्यूशन जो है उसमें हम झूठ बोलना, अपने आप से भी अपने आप को डिसीव करना भी छोड़ दें, उसमें बाकी को तो छोड़ ही सर दें। अगर इकोनॉमी की तरक्की चाहते हैं झूठ माइनस करवा दें, आपके पास तो माइक रहता है ना,
आप झूठ माइनस करवाएं, झूठ रिस्क को खा जाता है। बेसिक रूट है हर गुनाह की। बिल्कुल ऐसा ही, तो जो है अगर ये हम किसी तरह ख़त्म कर दें सर, तो यकीन करें कि मैं कहती हूँ, अब देखें जापनीज के बारे में लोग क्या कहते हैं कि वो सिर्फ कलमा गो नहीं है, वो कितने अच्छे इंसान हैं। जब क्लाइंट आके तारीफें करते हैं ना, तो सर जलन होती है, जब खुद बाहर जाओ तो जलन होती है, बहुत तकलीफ होती है। ऑर्गेनाइज्ड लोगों को देख के चीज़ें देख के सर, जो हमारा वतीरा था, ये जो हमें सिखाया गया, मुस्लिम्स को होना चाहिए, अब भी वक्त नहीं गुजरा, अब नसीब खुलने जा रहा है। और सेकंड हाफ में फिर दसवें घर में जुपिटर जाता है और फिर पूरा साल आपकी साख को बुलंद करता है। अब ये सितारों की तो ये जुबान है, कुन मेरे मालिक ने बोलना है, साख पूरे मुल्क की साख बुलंद, मुल्क की साख की जी जी अल्लाह। तो ये जो है, ये एक मैं आपको लॉजिकली सारे वो दे के बता रही हूँ, कोई डिक्टेशन नहीं है, ना सोचिए, वो रिकॉर्डिंग है, किसी पढ़ लेना जाके तो तो वो जो है। अब कुन, मैं हमेशा अपने जब सितारों को बोलती हूँ तो मैं कहती हूँ अच्छे सितारों की कुन भी मांगिए। तो और सेटर्न की पोजीशन बेहतर हो गई है, सियासी ढांचा बेहतर हो जाएगा, सियासत में सेंसिबली जो है ना, वो कुछ लोगों की अकलें सही होंगी। तो ये तो सर आसमान का नक्शा बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है इस मुल्क के लिए। और ये आपकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के लिए जो है कुछ अच्छा, जब से मारज़े वजूद में हम आए हैं पहली बार हमारा नसीब खुलने जा रहा है। और वो होगा 2024 जी 3 जनवरी से काम शुरू, कुदरत तो कर देगी। अरे अल्लाह अकबर, आपके आपको मिठाई खिलाएं क्या करें, वो कहते हैं आई बस जब कुछ ऐसा महसूस हो तो बस देखे, सच्ची बात है, मैं हमेशा एक इरफान एक बात कहती हूँ, मुझसे मेरी माँ का कोई हाल पूछे या मेरे मुल्क का हाल पूछे, मुझे एक ही जैसा दर्द होता है। ना मैंने अपनी माँ सेहतमंद देखी जब से होश लिया, ना मैंने मुल्क को हालत जंग में ही देखा जब देखा, तो मेरी तकलीफ एक ही जैसी होती है। तो जो है ना, मैं काश के जो है जाते जाते, हम तो पता नहीं उस लाइन में लग गए हैं ना कि किसी वक्त भी रैप अप हो सकते हैं, लेकिन जो हैं अल्लाह पाक उन्हें ये मुल्क प्यारा दे दे। ये है सचमुच प्यारा मुल्क है, गरीब नहीं है, मादनी ज़खायर से माला माल है, वी आर लोडेड, हमें सिर्फ एक जेन्युइन लीडरशिप चाहिए सर। True. और वो ऐसी चीज़ें भी हैं कि मैं तो उस दिन किसी से बात कर रहा था, तो वो कह रहा था कि जिस तरह से इस मुल्क में हर सारे सीजन्स हैं, सारे फल हैं, सारे मादनियात हैं, समुंदर हैं, दरिया हैं, झीलें हैं, मछलियां हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, सब कुछ है, मादनियात है, और हम फिर भी नाशुक्री कर रहे हैं, तो क्या हम भी उसी दौर पे वो जो जिनके ऊपर शुक्र अदा करना शुरू करेंगे तो शायद रब नेमतें बढ़ाते चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, तो क्या हम भी जो है वो उधर मनोसलवा वालों के टाइप। तो मेरा ख्याल नया साल, आप मेरा ख्याल आपका शो होने जा रहा है, मेरा तो मैसेज होगा कि यूं करें, अब हम एक रेजोल्यूशन करें और हम बजाय पटाखे और फायरिंग करने के, दो नफल शुक्राने के पढ़ें कि हम इतने नशेबो फराज से गुजर के और हम बमों से गुजर के, हम जो है जलजलों से गुजर के, सैलाबों से बच के, अगर हम वन पीस में एंटर होने जा रहे हैं 2024 और 25 जो कि रोशनी दिखा रहा है, तो शुक्राना बनता है। और उसके साथ साथ ये रेजोल्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपने जो किया कि मेरा ख्याल है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन हमारी ये होनी चाहिए कि कम से कम इस एक साल हमने झूठ नहीं बोलना। ये भी नहीं कहना मैं 5 मिनट से आया, मैं फेक होता, ये भी झूठ है। झूठ नाजरीन नहीं बोलना।